तो हो जाइए तैयार, क्रिकेट फैंस का इंतजार हो चुका है खत्म। भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का हो गया है ऐलान। कप्तान होंगे रोहित शर्मा और भारतीय टीम के उपकप्तान होंगे जसप्रीत बुमराह। ये सच्चाई है कि पिछले कई सालों से, तकरीबन 10 सालों से टीम इंडिया घरेलू टेस्ट सीरीज नहीं हारी है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछली बार जब भी हारी थी तो अंग्रेजों ने ही हराया था। और इस बार अंग्रेजों का यही कहना है कि भारत को भारत की घरेलू सरजमी पर हराएंगे। इतना आसान तो नहीं है, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है, बड़ी सीरीज रहने वाली है, आने वाले कई समय तक आपको ये सीरीज नजर आएगी। लेकिन इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है, रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम क्या रहेगी, चलिए आइए आपको बताते हैं वो पूरी टीम क्या रहेगी, जिसका ऐलान खुद बीसीसीआई ने किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, क्रिकेट की तमाम बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल क्या रहेगा, टाइम टेबल क्या रहेगा। दरअसल ये सीरीज शुरू होने जा रही है 25 जनवरी से और 29 जनवरी के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद में, और भारतीय समय अनुसार सभी मुकाबले सुबह 9 बजे शुरू होंगे। दूसरा मुकाबला 2 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में खेला जाएगा विशाखापत्तनम में। तीसरा मुकाबला 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में खेला जाएगा राजकोट में। चौथा मुकाबला 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में खेला जाएगा रांची में, और पांचवा टेस्ट मुकाबला 7 मार्च से 20 मार्च के बीच में धर्मशाला में। और इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने अच्छी कप्तानी करी और उस सीरीज को बराबरी पर खत्म किया, लेकिन एज अ बैट्समैन रोहित शर्मा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करने की, अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की। रोहित शर्मा एक विस्फोटक बल्लेबाज है, T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट के साथ साथ टेस्ट फॉर्मेट को भी बखूबी धारण करते हैं। जो धैर्य टेस्ट फॉर्मेट में दिखाना होता है वो कप्तान रोहित शर्मा की ओर से आता है। टेस्ट फॉर्मेट में पॉजिटिव इंटेंट के साथ में रोहित शर्मा नजर आने वाले हैं, और खास तौर पर भारत के घरेलू सरजमी पिचों पर रोहित शर्मा का बल्ला आग उगलने वाला है। इस लिस्ट में अगला नाम यशस्वी जायसवाल का दिया गया है। ये खिलाड़ी भी बहुत ही कमाल का है, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिहाज से भी टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में अपनी जगह पक्की करते हैं। यशस्वी जायसवाल विस्फोटक अंदाज में रन बना सकते हैं, T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट में क्या बल्लेबाजी कर सकते हैं ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में भी अपने डेब्यू पारी में बहुत ही शानदार पारी खेली थी। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनका बल्ला नहीं चला, लेकिन उम्मीद करते हैं भारत की घरेलू सरजमी पर और खास तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ इनका बल्ला आग उगले। तो टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल रहने वाले हैं। इनके साथ में नाम शुभमन गिल का दिया गया है। शुभमन गिल टीम इंडिया के नए उभरते हुए सितारे कहे जा रहे हैं। तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने वाला ये खिलाड़ी बहुत ही कमाल की फॉर्म में है। वनडे फॉर्मेट में बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, T20 फॉर्मेट में भी आक्रामक रवैया अपनाते हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में धैर्य दिखाते हैं। क्लास शॉट इनके पास कहे जाते हैं, गैप फाइंड करने की काबिलियत जो इनके पास में है वो किसी और के पास में नजर नहीं आती है, उस लिहाज से भी शुभमन गिल अपनी जगह पक्की करते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम विराट कोहली का आता है। विराट कोहली, किंग कोहली, चेज मास्टर कोहली, T20 फॉर्मेट में वापसी करने के बाद अब इनकी निगाहें टेस्ट फॉर्मेट में इन 5 मुकाबलों में कमाल की बल्लेबाजी करने पर रहेगी। टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर विराट कोहली के इर्द गिर्द ही रहने वाला है, क्योंकि विराट कोहली नंबर 4 के बल्लेबाज बन चुके हैं। विराट कोहली की काबिलियत आप और हम सभी जानते हैं, किस तरह का उम्दा ये बल्लेबाज है, लेकिन विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट के पूर्व कप्तान है और टेस्ट में भारत को इस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए उस विराट का जो कप्तानी वाला रुख था वो कमाल का था। विराट एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ में नजर आते हैं और इन टेस्ट सीरीज में विराट कोहली का नाम कोई चौंकाने वाला तो है नहीं, लेकिन ये खिलाड़ी चौंकाएगा अंग्रेजों को, भारतीय घरेलू सरजमी पर रनों का अंबार लगाएगा। विराट कोहली का भार इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अब न तो चेतेश्वर पुजारा है न अजिंक्य रहाणे हैं, तो फिर ऐसे में इनका भार काफी रहेगा। लेकिन इनके साथ में नाम मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर का दिया गया है। ये खिलाड़ी भी पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहा है, T20 फॉर्मेट हो या वनडे फॉर्मेट हो, और अब तो टेस्ट फॉर्मेट में भी अपनी जगह पक्की कर रहे हैं।
नंबर 5 के बल्लेबाज कहे जाते हैं बहुत ही कमाल का श्रेयस अय्यर ये खिलाड़ी है। इनके खास ये काबिलियत है कि ये जरूरत पड़ने पर विस्फोटक अंदाज में भी रन बना सकते हैं और टेस्ट फॉर्मेट में जो धैर्य की जरूरत है वो भी नजर आती है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनका बल्ला भी कुछ खास नहीं चला, लेकिन अब आप इसे भूल कर आगे बढ़ना चाहेंगे। विकेटकीपर के तौर पर भारत के पास 3 खिलाड़ी है, जिसमें पहला नाम KL राहुल का दिया गया है। अब KL राहुल भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी कर चुके हैं। वनडे फॉर्मेट में तो खैर वर्ल्ड कप भी खेले थे, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में भी बहुत ही कमाल के दिख रहे हैं। KL राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बहुत ही शानदार शतक लगाया, अपने बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया और दिखाया कि टेस्ट फॉर्मेट में KL राहुल की जरूरत टीम इंडिया को क्यों पड़ने वाली है। विकेटकीपर भी हैं और उस लिहाज से टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। KL राहुल बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, कूल नजर आते हैं, धैर्य इनके पास नजर आता है, बड़े हिटिंग की काबिलियत इनको नजर आती है और नजर आता है वो इंटेंट। विराट कोहली के साथ अगर KL राहुल मिल जाते हैं तो टीम इंडिया को और भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड गहराई मिलती है, उस लिहाज से भी KL राहुल की वैल्यू बढ़ जाती है। विकेटकीपर के तौर पर नाम KS भरत का भी दिया गया है। जी हां, KS भरत एक अच्छे बल्लेबाज है, विकेटकीपर के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। KS भरत भी बड़ी पारी खेल सकते हैं, टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान पिछले कुछ समय से दे रहे हैं और अब तो अपने घरेलू सरजमी पर इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में KS भरत के ऊपर भी काफी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन विकेटकीपर के तौर पर एक नए युवा खिलाड़ी को शामिल किया गया और नाम ध्रुव जुरेल है। जी हां, ध्रुव जुरेल जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से IPL और उसके साथ साथ घरेलू क्रिकेट में काफी प्रभावित किया है। ध्रुव जुरेल एक नया उभरता हुआ सितारा है। ध्रुव जुरेल एक ऐसा नाम जिनको पहली बार टेस्ट टीम में मौका कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में दिया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं अब टीम इंडिया के ऑलराउंड पैकेज की ओर, जिसमें सबसे पहला नाम रविचंद्रन अश्विन का दिया गया है। टेस्ट फॉर्मेट की बात हो और टीम इंडिया के स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन की बात ना हो, भला इसे कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस खिलाड़ी की काबिलियत अलग ही नजर आती है। इस खिलाड़ी को चाहे बल्लेबाजी के दम पर या फिर गेंदबाजी के दम पर, बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है। जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी में गहराई देते हैं तो फिर स्पिन डिपार्टमेंट से अच्छे अच्छे और दिग्गज खिलाड़ियों की छुट्टी करते हैं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन भारत की घरेलू सरजमी पर जहाँ गेंदें घूमने वाली है तो वहाँ गेंद को नचाना रविचंद्रन अश्विन को बखूबी आता है। रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी में भी गहराई देते हैं, लेकिन इनके साथ में 3D प्लेयर रविंद्र जडेजा भी भारत के स्क्वाड में है और ये तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। ये जो टप्पा पकड़ते हैं फिर तो क्या ही कहने। भारत के टेस्ट फॉर्मेट की घरेलू सरजमी पर रविंद्र जडेजा सबसे बड़े एस फैक्टर साबित होने वाले हैं। रविंद्र जडेजा आपको बल्लेबाजी में गहराई प्रदान करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर प्रमोट किए जाते हैं। रविंद्र जडेजा के पास वो काबिलियत नजर आती है। और एक ऑलराउंड पैकेज में नाम अक्षर पटेल का दिया गया है। ये खिलाड़ी भी बहुत ही कमाल का है। अक्षर पटेल की काबिलियत यह है कि ये भी जडेजा की तरह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और ये भी बल्लेबाजी में आपको गहराई देते हैं। अक्षर पटेल पिछले कुछ समय से भारत की हर स्क्वाड में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं और यहाँ पर भी इन्होंने अपनी जगह बनाई है। स्पिन डिपार्टमेंट में एक और नाम दिया गया है और वो है कुलदीप यादव का। जी, कुलदीप यादव पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रही हैं। वनडे फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट में वापसी कर चुके हैं। कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाज हैं और जिनकी गेंदों को हाथ से पट पाना बिल्कुल भी आसान होता नहीं है। तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम मोहम्मद सिराज का आता है। मोहम्मद सिराज वो खिलाड़ी जो बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं। मोहम्मद सिराज वो खिलाड़ी जो भारत के टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज में देखे जाते हैं। टेस्ट फॉर्मेट से इनको पहचान मिली और टेस्ट फॉर्मेट के साथ ये जो अग्रेशन लाते हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए और भी खतरनाक होता है। जी हाँ, अग्रेशन मोहम्मद सिराज का दूसरा नाम है। इनके साथ में नाम मुकेश कुमार का आता है। इन्होंने भी तो पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी है। टेस्ट फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी दिखे थे और टेस्ट फॉर्मेट में आप भारत की घरेलू सरजमी पर भी दिखने वाले हैं। मुकेश कुमार भारत की तीनों ही फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं और इनके आगे नाम भारत के उप कप्तान जसप्रीत बुमराह का आता है। ये खिलाड़ी बहुत ही कमाल का है और T20 के लिए भी शानदार गेंदबाजी, लेकिन उसके बाद अब टेस्ट फॉर्मेट में इनकी एक उम्दा गेंदबाजी की जरूरत टीम इंडिया को पड़ेगी। इनकी गेंदबाजी से टीम इंडिया की गेंदबाजी में एक्सपीरियंस्ड आता है, वो अनुभव आता है। जसप्रीत बुमराह उप कप्तान भी बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर रोहित शर्मा इंजरी का शिकार हो जाए तो भारत को कप्तानी करते हुए जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। और इस लिस्ट में आखिरी नाम दिया गया है वो आवेश खान का दिया गया है। आवेश खान का सिलेक्शन काफी लोगों को चौंकाने वाला है, लेकिन टीम इंडिया ने इन पर भरोसा किया है। आवेश खान के पास वो काबिलियत है कि वो गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को चका सकते हैं। पिछले कुछ समय से भारत के हर स्क्वाड में ये नजर आ रहे हैं और टीम इंडिया और BCCI के सिलेक्शन के इर्द गिर्द ही रहते हैं।
कुल मिलाकर यह है टीम इंडिया की स्क्वाड अगेंस्ट द इंग्लैंड, जो कि 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के लिए नहीं बल्कि केवल 2 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज के लिए है। बाकी आने वाले 3 के लिए अपडेट जरूर हम आपको वीडियो बनाकर देने वाले हैं।